वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये जो कविता मैंने अपने स्कूल में पढ़ी थी, ये जो लाइनें हैं ये मैं डेडिकेट करती हूँ अर्णब गोस्वामी जी को, उनकी पूरी तमाम रिपब्लिक ग्रुप के तमाम टीम मेंबर्स को और हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता को। आप सबको प्रणाम है। आप लोग सच्चे वीर हो, आप लोग सच के सारथी हो, आप वो लोग हो जो सच के साथ डट कर खड़े रहने वाले हो। इसीलिए तो सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई आज तक हम मिलकर के लड़ रहे हैं। देखिए सुशांत की लड़ाई लड़ते 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 क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है। अभी मैं 6 बजे से लेकर के और अभी 8 बजे तक रिपब्लिक पर थी, लाइव कर रही थी महाभारत और उसके बाद पूछता है भारत दोनों में। जब मुझे ये जानकारी मिली अराउंड 4:30 के करीब कि रिपब्लिक के 1000 एम्प्लॉयज के ऊपर मुंबई पुलिस ने FIR कर दी है, तो मुझे मेरा लिटरली सब घूम गया। मुझे यकीन नहीं आया कि स्वतंत्र भारत में हमारे लोकतंत्र के अंदर इतना बड़ा कुठाराघात कानून और संविधान के नाम पर सच बोलने की सजा दे करके एक न्यूज चैनल के साथ ऐसा हो रहा है। 1975 में इंदिरा जी ने अपनी राजनीति बचाने के लिए इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। उस इमरजेंसी के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत में कभी न मैंने ऐसा देखा न सुना, और मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले समय में भी मैं ये सब देखने का ये मंजर मुझे देखने को मिलेगा कि एक चैनल जो सच बता रहा है उसके ऊपर 1000 लोगों के ऊपर उसके आप FIR कर दो। क्या कसूर है उनका, क्या इलीगल काम किया उन्होंने, कौन सा इलीगल एक्टिविटी उन्होंने की है, आप जरा बताइए क्यों किया गया उन पर FIR, क्या गलती थी उनकी? सच दिखाना, सच के साथ खड़े रहना, सही रिपोर्टिंग करना। आज शाम को मैंने देखा उनके एक रिपोर्टर हैं सुहेल, वो अनिल देशमुख जी जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और उन पर लिटरली अटैक किया गया, उनके मुंह से खून आ रहा था। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल, ये हो क्या रहा है वहां पर? इसलिए मैं डे वन से बोल रही हूं, ये सारा तमाशा देख करके ही मैं डे वन से बोल रही हूं कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों के मौलिक और कानूनी दोनों प्रकार के जो अधिकार होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका हनन हो रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, कदापि भी, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। क्या 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 गलत है आप मुझे बताइए? सच दिखाना, सच बोलना, रिपोर्टिंग करना जो उनका काम है, आप जनता को, मतलब जनता के साथ साथ आप उनको डरा रहे हो कि अगर तुमने बंद नहीं किया सच बोलना तो हम इस तरीके का दमन करेंगे। ये कहां से शुरू हुआ था जो ये पॉलिटिकल वेंडेटा महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई के CP ने आरंभ किया, ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था एक फेक TRP के केस को लेकर के, जिसमें वो केस उनके ऊपर है भी नहीं, और उसके बाद ये कहां पहुंच गया, आज किस मोड़ पर चला गया है, किस लेवल पर चला गया है, ये आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। देखिए क्या है ना, लोकतंत्र में सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, CP भी आएंगे जाएंगे, संवैधानिक पद हैं, लेकिन इज्जत और नाम आप एक बार जीवन में कमा सकते हो, वो अगर एक बार चला गया तो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड वही हो रहा है आज वहां पर महाराष्ट्र के अंदर। आप लोग अपना नाम, अपनी इज्जत, पर्सनल प्रोफेशनल पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इस देश के अंदर खो चुके हैं, खो जाएंगे ऐसा नहीं है, आप लोग एक्चुअली उसको खो चुके हैं। बहुत दुख की बात है ये। मतलब आज मैंने वहां पर जो सारी के तमाम तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें आप क्या 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 चीजें देखने को मिल रही है। रिपब्लिक चला रहा था सारी खबरें कि उनके CEO, उनके CFO, उनके जो बाकी के लोग हैं सीनियर एडिटर्स एंड ऑल, उनको जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तो उनसे पूछा जा रहा है टॉयलेट पेपर कितने आते हैं, हेयर ब्रश कितने आते हैं, मेकअप का सामान कितने आते हैं, टाई कितने की खरीदते हो, हाउसकीपिंग वालों को कितना पैसा देते हो। आई मीन कम ऑन, ये क्या हो रहा है?
ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हो? ये कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा आप लोग सेटल कर रहे हो? क्या वहां पर हर प्रकार का क्राइम खत्म हो गया है कि आप लोग एक एक मीडिया हाउस के पीछे लग गए? ये कौन सा रूप, विभत्स विकृत रूप वहां पर दिखा रहे हो हिंदुस्तान की जनता को, खाकी और खादी का? मत कीजिए ऐसा। इससे क्या हो जाएगा ना कि सारे जो लोग हैं वहां पर, पुलिस फोर्स जो बहुत उम्दा पुलिस फोर्स है मुंबई की, महाराष्ट्र की, और मैं उनको प्रणाम करती हूं, लेकिन क्या हो गया है, एक व्यक्ति के कारण तमाम लोग शर्मिंदगी की कगार पर खड़े हो गए हैं। यह दुख की बात है, यह शर्म की बात है, और यह नहीं होना चाहिए। यह कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। दिस इज अनबिलीवेबल। एंड उससे ज्यादा खतरनाक एक चीज जो निकल करके आई है, जो मैं जब से शाम से लाइव कर रही थी, उसमें ऑप इंडिया एक न्यूज पोर्टल है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने सीबीआई को भी वो वीडियो सौंप दिया है, ये उन्होंने क्लेम किया है। और उस वीडियो में अगर आप सुनेंगे, वो अवधी भाषा में वो वीडियो है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और जो अपने मित्र को जो बातें वो फोन पर बता रहे हैं, वो अवधि में है। वहां पर वो कह रहे हैं कि पुलिस मेरे यहां पर आई, 8 दिन पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें प्रेशराइज किया, उन्होंने बोला कि तुम ये लिखो, साइन करो, कि हम रिपब्लिक भारत देख रहे थे, हमें उसके लिए पैसा मिलता है, मेरी वाइफ अकेले घर में रहती है, मैं ये पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं क्या करूं। अब हम कानून का, खाकी वर्दी का ऐसा इस्तेमाल करेंगे लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए? खाकी वर्दी मैं हमेशा बोलती हूं, उसका सम्मान है हमारे मन में, लेकिन उस वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। उस वर्दी से किसी को डराया या धमकाया नहीं जाना चाहिए, उस वर्दी से सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। मैंने अपने परिवार में देखे हैं टॉप कॉप्स, वर्दी का क्या सम्मान होता है, वर्दी की क्या इज्जत होती है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूं। और इसीलिए मैं कहती हूं हमेशा कि वर्दी सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होती है, जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कानून की, संविधान की, देश की, लोगों की सुरक्षा की। जो कसम आप खाते हैं जिस वक्त आप पदभार ग्रहण करते हैं, जिस वक्त आप एक आईपीएस ऑफिसर, एक कॉप बनते हैं, उस कसम को कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। बहुत ही अजीब सा, विभत्स सा रूप देखने को मिल रहा है। मतलब मुझे सीरियसली यकीन नहीं आ रहा है कि ये हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये हो रहा है। कैसी सरकार है ये, कैसे लोग हैं? मतलब राजनीति से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है, जनता नहीं है, कानून नहीं है, न्याय नहीं है, कुछ नहीं है। ये कौन सा रूप है कानून का, राजनीति का, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा पॉलिटिकल साइंस में आपने गवर्निंग गवर्नेंस का मॉडल पढ़ा है? भैया आप मुझे बता दीजिए, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, पर मैंने तो कहीं ऐसा नहीं पढ़ा। छात्र राजनेता रही हूं, तब से पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, तब से इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी जितने भी विषय हैं उन पर अपनी राय रखती हूं, जम करके रखती हूं। और आप मुझे ये बताइए, किसी को भी वहां के जो कॉप हैं, टॉप कॉप हैं, या वहां की जो सरकार है, उससे कोई व्यक्तिगत नाराजगी थी क्या? ये विषय जब उठा, क्यों उठा? ये आप लोग जानते हैं, ये सुशांत से उठा था विषय। इतना पर्सनल कैसे हो गए आप लोग, इतना पर्सनल क्यों हो गए? किस लेवल पर इस लड़ाई को लेकर के चले गए? शोभा देता है क्या एक एक संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरीके के कृत्य शोभा देते हैं क्या? एक कानूनी पद पर बैठ करके पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा के चलते इस लेवल पर गिर जाना कि 1000 इंप्लॉयज के खिलाफ आप एफआईआर कर देंगे? आप एक एक पत्रकार आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसको वो पीट रहा होगा? अब आप मुझे ये बताइए कि सुहेल, जिनको मैन हैंडल किया गया, जिनके मुंह से खून निकल रहा था, जिनको वहां पर देशमुख साहब के और बाकी खाकी के की प्रेजेंस में धक्का मुक्की करके उनका खून निकला, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, आप बताइए उनके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा? उनके खिलाफ एफआईआर होगी कि नहीं होगी, मुझे ये बताइए, मुझे ये जानना है।
क्योंकि अगर नहीं होगी इसका मतलब साफ है कि कानून का हनन हो रहा है। और ये रूप देखने के लिए हम कतई तैयार नहीं हैं। हिंदुस्तान की जनता, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम में साथ देने का, एक दूसरे का। हम वर्चुअली एक दूसरे का ऐसे ही हाथ पकड़ के रखेंगे और न्याय लेकर के रहेंगे, चाहे सुशांत का केस हो, चाहे नार्कोटिक्स वाला हो, चाहे रिपब्लिक और अर्नब वाला हो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।